नमस्कार मेरे भाई बहनों, किरण भक्ति सागर में आप सबका स्वागत है। हमारी बहनों ने कुछ कमेंट किए थे कि आप ढोलक का वीडियो अपलोड करिए, तो आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु उसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ ढोलक के बारे में। ढोलक को कभी गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए और ढोलक को बजाने के पहले ये सब टाइट करने चाहिए, ताकि यहाँ ऐसे उंगली मार के देखना चाहिए, अगर ये उंगली जरा सी दब रही है तो समझ लीजिए ढोलक लूज है, तो इनको टाइट करके बजाना चाहिए। और ढोलक को कभी कभी धूप में रखना चाहिए, खासतौर से बारिश के समय, और पोलोथीन कवर में ढक के रखना चाहिए ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। और हमारी बहनों ने बोला है तो आज हम उनके लिए, जिन बहनों को हमारी बिल्कुल भी नहीं आती ढोलक, आज हम उनको सिखाने वाले हैं। हम गांव की भाषा में बोलते हैं इसको सीधी टाइप की ढोलक, सीधी ढोलक। तो हमारी वो बहनें आए, सुने, देखे और बजा के देखें, कोशिश करें, जरूर आ जाएगी। और हमें कमेंट करके भी बताएं कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ढोलक, और बहुत आसान तरीके से हम बताने वाले हैं आपको। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आइए, ढोलक के बारे में सिखाते हैं आपको। ये हिस्सा हमारा, छोटा वाला हिस्सा चाटी कहलाता है, जो हम दाहिने तरफ रखते हैं। और ये बड़ा वाला हिस्सा जिसमें मसाला लगा होता है, उसको हम बेस कहते हैं। तो हम तो दाहिने हाथ से चाटी वाला हिस्सा बजाते हैं और बाएं हाथ से बेस वाला हिस्सा बजाते हैं। हमारी कुछ बहनें बाएं हाथ से चाटी वाला हिस्सा बजाती हैं और दाहिने हाथ से बेस वाला हिस्सा बजाती हैं। वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे सीख पाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत आसान तरीका है मेरा जो मैं बताने वाली हूँ, तो चलिए एक बार आपको बजा के दिखाते हैं। एक जैसा आता है, और जो चाटी वाले हिस्से में हम तीन उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो चाहे आप बंद करके बजाएं या खोल करके भी बजा सकती हैं ऐसे। चाहे आप बंद करके बजाएं, अब ये वाला इधर देखिए आप, एक जगह भी आप मार सकती हैं, थोड़ा इधर उधर भी कर सकती हैं, जैसे आपका हाथ सेट होता हो। अब इधर देखिए आप, ये मैंने तीनों उंगलियां अपनी बंद रखी हैं। ये चाटी वाला हिस्सा बिल्कुल किनारे ही बजाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ बजाएंगे तो आवाज नहीं आएगी, इसलिए जो चाटी का हिस्सा होता है यहीं से बजता है। देखिए अच्छी आवाज आ रही है ना। इसमें एक ही जगह मारनी उंगली, यहीं पे इस जगह। अगर आप बंद करके लगाते हैं, बहुत ही आसान तरीका। हमारी जिन बहनों को नहीं आती वो तो एक दिन में ही इसको बजा लेगी। ये देखिए, अब
खोल करके इसमें दोनों हिस्सों को हम एक साथ बजाते हैं, चाटी वाला भी बेस वाला भी, ये देखिए, और दोनों हाथ एक साथ भी चलते हैं। अगर आप ढोलक में नहीं बजा पा रहे हैं तो आप यहाँ बजाइए, ये देखिए, नी में बजाइए, इधर बजाइए, टेबल पे बैठे आप टेबल पे बजाइए, कोशिश करिए, प्रयास करने से सब आ जाएगा। और बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने आज आपको बताया है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इसी ढोलक का कुछ बता देंगे। और पर हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।